अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका राना जवाद है बहुत फिर से हाज़िर हूँ आज एक नई वीडियो में। आज हम जिस लैपटॉप का रिव्यू करने जा रहे हैं, जिस लैपटॉप के अबाउट बात करने वाले हैं, हाउ टू चेक बैटरी, हाउ टू चेक प्रोफेशनल वे में लैपटॉप किस तरीके से चेक किया जाता है और क्या क्या चीज़ें हैं जो लैपटॉप बाय करने से पहले चेक करना ज़रूरी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, करने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो एंड में जाकर लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि इस वीडियो से और लोगों का भी फ़ायदा हो सके। चलते हैं जी वीडियो की तरफ। इस टाइम आप जो हमारे पास मॉडल देख रहे हैं वो है HP का EliteBook 840G3। लुक वाइज सबसे पहले हम देख लेते हैं इसको, सिल्वर बॉडी कमाल किस्म की। HP का लोगो इसमें पुराना दिया गया है और लोगो के जो है इर्द गिर्द सिल्वर के अंदर जो है इन्होंने HP का कम्बिनेशन सिल्वर के साथ दिया है और यहाँ पे छोटा सा इन्होंने ग्लास के अंदर स्टील लगा दिया है। और नीचे देखा जाए तो हीट सिंक मिल जाती है, यहाँ पे हमें इसके मॉडल कंप्लीट पता लग जाता है, 840G3 है, प्रोडक्ट आईडी वगैरह, HP की कुछ नोटिफिकेशंस, कुछ टर्म एंड कंडीशंस वगैरह यहाँ पे दी गई हैं, सर्विस पैक और इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। 840 के अंदर हमें ये मिलता है 840G3 i5 में 6 जनरेशन, 8GB रैम, 256GB के साथ, विंडोज़ 10 का लोगो दिया गया है, रिकमेंडेड विंडोज़ की 10 इसके अंदर की गई है। बॉक्स पैक में विंडो 10 के साथ ही आता है। सिंगल हैंड के साथ बात की जाए तो भाई EliteBook की यही तो कमाल है कि EliteBook आप इजीली सिंगल हैंड के साथ इसको ओपन कर सकते हैं। अच्छा जी, लुक वाइज बात की जाए तो इसके आपको जो है लोगो मिल जाता है कोर i5 के अंदर 6 जनरेशन का, साथ ही आपको फिंगरप्रिंट मिल जाता है डुअल माउस के साथ। EliteBook यहाँ पे आपको मिल जाता है और कीबोर्ड की बात की जाए तो LED लाइट यहाँ पे ऑन करने पे आपको लाइट भी मिलती है। कीबोर्ड की बात की जाए तो इसके अंदर बैकलाइट कीबोर्ड लाइट नहीं है और इसके अंदर दो वेरिएंट आते हैं, ठीक है जी, एक बैकलाइट के साथ और एक विदाउट बैकलाइट के साथ। विदाउट बैकलाइट का वैसे तो मतलब यही होता है कि दुबई में जब लैपटॉप आते हैं या अमेरिका से लैपटॉप आते हैं तो अगर कीबोर्ड में इशू होता है तो वहीं से ही HP की वेब उधर फ्रेंचाइज से वहाँ से ही रिप्लेस्ड हो जाते हैं, ठीक है, और अदरवाइज या फिर शॉपकीपर खुद चेंज कर लेता है तो वो एक अलग बात होती है उसमें। वैसे बैकलाइट में ये मॉडल बड़ा खूबसूरत लगता है, विदाउट बैकलाइट भी ठीक है। अच्छा जी, लैपटॉप ऑन हो गया। स्पीकर की बात की जाए तो यहाँ पे इसके स्पीकर मिल जाते हैं, कौन से लगे हुए हैं या यहाँ देखिए ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, B&OK इसके स्पीकर मिल जाते हैं। और सबसे पहले लैपटॉप चेक करने में क्या होता है, आपने प्रोफेशनल वे में जब लैपटॉप चेक करना होता है तो आपने सर्च में जाना है यहाँ पे DXDIAG टाइप करके, ये चीज़ डायरेक्ट आपको मिलेगा, रन एज कमांड, आपने इसको इंटर करना है, यस नो का ऑप्शन है तो यस कर देना है। अच्छा जी, हमारे पास ये कुछ सेकंड बाद ये फेच होकर ये फाइल्स आती हैं, अभी भी देखें ये लोडिंग कर रहा है। ये होता है जी डायग्नोस्टिक टूल होता है, इसके अंदर मैं क्या मिलने वाला है जी, करंट टाइम बता देता है, कंप्यूटर नेम बता रहा है क्या है, सिस्टम ऑपरेटिंग विंडो 10 प्रो 64 बिट 2U या कौन सा वर्जन है वो बता देता है, लैंग्वेज इसमें इंग्लिश वाली हुई है, अगर आप डिफरेंट कोई अरबी चाइनीज़ या कोई इस तरह के कहना चाहते हैं तो लैंग्वेज को पैक करना पड़ेगा तो वो इसी में ही हो जाएगा। मैनुफैक्चर बता रहा है HP का है, सिस्टम मॉडल HP EliteBook 840G3 मिल जाता है, BIOS बता देता है, प्रोसेसर में i5 6 जनरेशन है 4 CPUs के साथ, रैम की बात की जाए तो 8GB रैम है, DirectX 12 के साथ हमें ये लैपटॉप मिलता है। इंटर करेंगे तो डिस्प्ले में मिल जाता है जी, इसके 520 में HD ग्राफिक्स लगे हुए हैं, रैम के शेड जो ग्राफिक कार्ड है वो 4GB का है, VRAM जो होता है डेडिकेटेड, मतलब जो छोटा सा इसके अंदर लगा देते होते हैं वो चिप, वो होती है 128MB की लगी हुई है। स्क्रीन FHD है कि नहीं है तो यहाँ से पता लग जाता है, यहाँ से आप नीचे करेंगे 1920x1080p 32 बिट है 60Hz के साथ, ठीक है जी। आपने अगर कोई डिस्प्ले कोई मसला आता है तो यहाँ पे नो प्रॉब्लम में, जहाँ पे नो प्रॉब्लम लिखा हुआ फाउंड यहाँ पे वो दे देता है। साउंड में आ जाना है डिफॉल्ट डिवाइस यस है, और स्पीकर्स में NA तो मतलब स्पीकर जेन्युइन है, अगर चेंज होंगे तो NA की जगह कोई ना कोई नंबर होगा, डिफॉल्ट डिवाइस नो हो जाएगी, और अगर स्पीकर डिफॉल्ट वाइज यस ही है और उसके बाद भी ID और प्रोडक्ट ID और टाइप ID आ रहा है तो मतलब स्पीकर चेंज हो गए हैं, लेकिन जेन्युइन स्पीकर ही लगाए हैं लेकिन चेंज हुए हुए हैं, डिफॉल्ट डिवाइस यस हो तो। इनपुट में आ जाएंगे, माउस कीबोर्ड आपने देख लेना है NA तो मीन्स के कीबोर्ड और इसका माउस जेन्युइन है, और अगर NA की जगह प्रोडक्ट आईडी वेंडर आईडी आती है तो मतलब चेंज है। अच्छा, दूसरा आपको बताते चलते हैं, जो यूज़र है वो यहाँ से चेक करता है, यहाँ से भी ठीक है चेक करना, लेकिन उस पर ये होता है कि सारा मॉडल वगैरह आईडी हर चीज़ यहाँ पे हो जाती है, जैसे i5 6 जनरेशन है वहाँ पे 4 CPUs बता रहा है, यहाँ पे नहीं बताता, 8GB रैम है, विंडोज़ कौन सी है, 10 प्रो यू ये 22H2 लेटेस्ट है, इंस्टॉल कब हुई थी 23/24/8 को, 8वें महीने की 24 को हुई है। अच्छा जी, आपने अगर चेक करना है विंडो एक्टिवेट है कि नहीं है तो यहाँ पे आप क्लिक करें, यहाँ पे बता देगा विंडोज 10 एक्टिवेट इज यूजिंग योर ऑर्गेनाइजेशन एक्टिवेट, मतलब ये पैच होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन बाय करते हैं और ये वेबसाइट्स पे फिर जाके अपलोड कर देते हैं, लोग वहाँ से इनको डाउनलोड करके अपनी विंडोज एक्टिव करते हैं, तो ये 6 महीने तक तो प्रॉपर काम करती है, किसी किसी के पास साल बाद भी ऑप्शन आ जाता है कि विंडोज नॉट एक्टिवेटेड, तो दोबारा इसको आप इंस्टॉल कर देंगे तो दोबारा ये एक्टिव विंडो हो जाती है।
दूसरा आपने बैटरी चेक करने के लिए सर्च में जाना है, यहाँ पे लिखना है CMD, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है और यहाँ पे इंटर कर देना है। यहाँ पे आपने लिखना है पावर CFG स्पेस बैटरी रिपोर्ट। स्पेलिंग ठीक लिखनी है, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पे आपने इसको सी से लेके कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी दबा के मैंने इसको कॉपी कर लिया है। यहाँ पे आते हैं दिस पीसी में इसी पे बार के ऊपर हम कंट्रोल वी कर देते हैं, इंटर करते हैं। कोई ब्राउज़र पूछेगा नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट ही ओपन कर देगा। इसमें आपको देखो बैटरी में आपको बता रहा है रिपोर्ट में 840 मॉडल है। नीचे आ जाएंगे, इंस्टॉल बैटरी में देख लेना है, मैन्युफैक्चरर पूरा HP का नाम लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे कोई नंबर कुछ और लिखा हो तो मतलब बैटरी रिप्लेस्ड है। अब आपने देखना है जी डिज़ाइन कैपेसिटी 46512 है और फुल चार्ज कितनी है 43890, साइकिल कितने चले हुए हैं 81, ठीक है। बैटरी थोड़ी बहुत ड्रेन इसमें हुई हुई है, कितने ड्रेन हुए 40 में से 43 माइनस कर लें तकरीबन कोई लगभग 3000 mAh तक इसकी बैटरी ड्रेन हुई है। बड़ी परफेक्ट बैटरी पड़ी हुई है, अभी भी आराम से 4-5 घंटे बैटरी टाइमिंग आपको मिलने वाली है। पूरा ग्राफ देता है कितनी बैटरी टाइमिंग चलाई है, कितना कितना आपने चलाया, कितने mAh चार्ज किया है, कब कब चार्ज किया है, सारा कुछ बैटरी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। दूसरा आपने CMD के अंदर एक और चीज़ लिखनी है, WMAC BIOS गेट सीरियल नंबर, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे हम इंटर कर देते हैं, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई है, WMIC स्पेस BIOS गेट सीरियल नंबर। अच्छा जी, हमने जैसे यहाँ पे इंटर किया ना तो आपको यहाँ पे सीरियल नंबर नज़र आ रहा है, आखिरी देख लेते हैं WKC। आपने अब ये बोर्ड चेक करना है बोर्ड जेन्युइन है कि नहीं, तो आपने यहाँ पे जाके देखना है कि आप जेन्युइन है कि नहीं। सीरियल नंबर में हमने ये देख लेना है SN# जहाँ पे लिखा हुआ है 5CG आखिर में है, WKC मतलब सेम है, बोर्ड जेन्युइन लगा हुआ है इसका, देख लें 5CG आखिर में लिखा हुआ WKC। अगर आप मैनुअली चेक करना चाहते हैं नीचे से मीट किया तो आपने वाईफाई कनेक्ट करना है, गूगल क्रोम खोलना है, वहाँ पर लिखना है HP लैपटॉप ड्राइवर्स, पहले पहले वेबसाइट खोल लेनी है और इसी नंबर को आपने उस वेबसाइट पे जाके पेस्ट करना है और इंटर करेंगे तो आपको बता देगा कि ये वाला जेन्युइन है कि नहीं। अगर वो पेज लोड हो जाए HP 840G3 शो करवा दे तो मतलब जेन्युइन है, अगर वो पेज लोड करके के नॉट फाउंड तो मतलब बोर्ड चेंज है। दो वे हैं इसको चेक करने के, ठीक हो गया। उसके बाद आपने कंट्रोल शिफ्ट एस्केप दबा के टास्क मैनेजर खोल लेना है या जिस तरह भी आप इजीली आपको लगे वैसे टास्क मैनेजर खोलना है। परफॉर्मेंस में आ जाना है, CPU में आ जाना है, जैसे लाइक यहाँ पे आपको बता रहे हैं ना i5 6th जनरेशन है, जनरेशन देखते होते हैं, अगर 4 डिजिट है जो पहला होता है वो उसकी जनरेशन होती है, अब 6th था तो ये 6th है। कोर इसमें 2 है, लॉजिकल प्रोसेसर 4 है, मतलब डुअल कोर प्रोसेसर है। कैशे कितनी है 3 MB। अच्छा दूसरा आपने यहाँ पे मेमोरी पे क्लिक करना है, मेमोरी पे 8 GB रैम बता रहा है, आप देखना है एक लगी हुई है या 2। यहाँ पे आपने स्लॉट यूज़ में देख लेना, 1 of 2 लिखा हो तो एक लगी हुई है। और स्पीड जो 1600 से नीचे होती है वो DDR3 होती है, उससे ऊपर जो होती है वो DDR4 में आ जाती है। तो इसमें 2133 लगी हुई है, अगर आपने लगानी भी आया तो उसको बताएंगे कि हमें जी 8 GB की चाहिए 2133 MWH वाली। अच्छा जी, इसी तरह आपने यहाँ पे डिस्प्ले क्लिक करना है, यहाँ पे वैसे भी बता रहा है SSD लगी हुई है, कौन सी लगी हुई है यहाँ पे आप हमने इसका नंबर को नोट करना है, इसको पूरा गूगल पे पेस्ट कर दीजिएगा आपको शेप भी बता देगा। 256 GB की इसके अंदर SSD लगी हुई है, लेकिन 256 लिखा भी हुआ है तो इसमें M2 लगी हुई है। GPU में वही बता देगा जो शेड होकर 4 GB बनता है, वैसे 128 MB ही होता है इसका, ठीक है। ये चीज़ चेक कर ली, बैटरी चेक कर ली, बोर्ड चेक हो गया। आपने ऑनलाइन कीबोर्ड टेस्ट गूगल क्रोम पे जाके लिखना है, अगर आपके यहाँ पे डेस्कटॉप में पड़ा हो शॉपकीपर अक्सर करके रखते हैं अगर तो पड़ा हो तो वहाँ से चेक कर लें, नहीं तो ऑनलाइन जाके चेक कर लें, ठीक है। ऑनलाइन चेक करने के बाद आपने यहाँ स्पीकर चेक कर लेने हैं, वीडियोज़ प्ले करके देख लेनी है अभी ठीक है साउंड कैसा है कैसा नहीं है, कोई भी साउंड चेक करने हैं, दोनों स्पीकर्स देख लेने हैं, कोई डिस्टॉर्शन कोई शोर कोई फटी हुई आवाज़ कोई इस तरह की आवाज़ फील तो नहीं हो रही, तो वो चीज़ चेक कर लेनी है। इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जो चीज़ लगी हो तो वो सही भी तो होनी चाहिए ना, तो ये चीज़ें आपने नोट लाजमी करनी है। लीड बुक का साउंड बेहतरीन होता है, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। साउंड चेक करने के बाद आपने कैमरा चेक कर लेना है, यहीं पे आके आपने कैमरा लिख लेना है, यहाँ पे आपको ये जो कैमरा मिल जाएगा इंटर करेंगे कैमरा यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक हो गया। कैमरा ओपन हो गया, कैमरा चेक करने के बाद आपने कीज चेक कर ली, फिंगरप्रिंट चेक करने के लिए होता है कि आपने दिस PC पे आके मैनेज में आ जाना है, डिवाइस मैनेजर में चले जाना है, वहाँ पे जाके देख लेना है कि फिंगरप्रिंट का ड्राइवर हुआ हुआ है कि नहीं हुआ हुआ, अगर नहीं हुआ हुआ तो मतलब नहीं है, सही नहीं है। ये देखें बायोमेट्रिक लिखा रहा है, इस पर डबल क्लिक करें, हाँ जी ये हुआ हुआ है बिल्कुल सही है वर्किंग में, ब्लूटूथ भी यहाँ से पता लग जाएगा कि ब्लूटूथ भी है कि नहीं है।
अच्छा जी, उसके बाद यूएसबी पोर्ट्स वगैरह इसके देखते हैं कि इनके अंदर कौन कौन सी दी गई हैं। सिम का ऑप्शन दिया गया है, इसके अंदर आर्थरनेट है 3.0 में यूएसबी पोर्ट मिल जाती है, ऑडियो जैक, और इसके अंदर जो एचडीएमआई पोर्ट दी जाती है वो डिस्प्ले पोर्ट में दी जाती है, एचडीएमआई नहीं दी जाती। तो इसको एचडीएमआई अगर आप यूज़ करने चाहते हैं तो टाइप सी से यूज़ कर सकते हैं, टाइप सी का कनेक्टर मिल जाता होता है, और डिस्प्ले पोर्ट अगर आपको पास है तो फिर डिस्प्ले पोर्ट से भी आप प्रोजेक्टर वगैरह इस तरह की चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरफ देखा जाए तो आपको वीजे केबल मिल जाती है, वीजे के जरिए भी आप प्रोजेक्टर कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपका पुराना है। तो साथ ही आपको SSE मिल जाती है, यूएसबी पोर्ट, एक यहाँ पे हीट सिंक मिल जाता है, और एक SC कार्ड का ऑप्शन है। ये आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है। लास्ट में आपने क्या करना है जी, नोटपैड ओपन करना है। नोटपैड ओपन करना हमने सिर्फ इसलिए नहीं करना कि कीज चेक करनी है, हमने चेक करना है कि स्क्रीन देखने के लिए, वाइट स्क्रीन में कोई स्पॉट, कोई लाइन, कोई लाइट, ब्लैक डॉट, कुछ भी बड़े अच्छे से तसल्ली से यूं इधर उधर करके देख के ना आपने बस उसके बाद लैपटॉप को बंद करना, पूछना जी हाँ जी प्राइस क्या है। तो मार्केट वैल्यू में इसकी आपको प्राइस मिलने वाली है 48,000 से 50,000, i5 6th generation, 8GB 256GB के साथ, 10x10 condition, ब्रांडेड वाला आपको 50 का मिलेगा, नॉर्मल अगर थोड़ा सा स्क्रैच नहीं हो तो 48 की रेंज में भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी, और अगर बिल्कुल ही 10x10 बड़ा हुआ है तो स्पेक्स ज़्यादा है तो वो 50 प्लस में भी जा सकता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक तो बनता ही है, नहीं तो फिर आपकी मर्जी, और शेयर कर देंगे तो किसी और को भी फायदा हो जाएगा। सदका जारी है, समझ लें इस चीज़ को, किसके पैसे हलाल के बच जाएं तो। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक रहना चाहते हैं मेरे को इजाजत दें, अगर आप कमेंट्स करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको सब्सक्राइब करूंगा, किसी भी किस्म का आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप उसमें पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।